Asurya naam te lokaha. Andhe na tamasa vrataha. Tāgaṃste prētyā vigacchanti. Tāgaṃste prētyā vigacchanti. Yeke chātmahano janāha. Anejadekam manaso javiyo. Nainan deva vapnuvan purva marshata. Tandhavato jnanati titishthata. Tasmin napo matarishva dadhati. Anejadekam manaso javiyo. Nainat deva vapnuvan purva marshata. Tadhavato jnanati titishthata. Tasmin napo matarishva dadhati. Tasmin napo matarishva dadhati. पेज नंबर 21 का इको कम करो. नैनत देवा यहां से भाष्य देखिएगा. नैनत देवा चौथी पंक्ति मिल गया सबको. नैनत देवा देवतना देवाः चक्षुः आदि आदीन इंद्रियाणि एतत् प्रकृतम् आत्मतत्त्वं न आप्नुवन्तः प्राप्नुवन्तः. तेव्यो मनोजवियो मनोव्यापार व्यवहितत्वात् आभास मात्रमपि आत्मनो नैवं दैवानां विषयी भवति. यस्मात् जवनात् मनसोपि पूर्वम् अर्षत पूर्वम् अपि व गतम् व्योमवत् व्यापित्वात् सर्वव्यापी तदात्मतत्त्वं सर्वसंसार धर्मवर्जितं स्वेन निरुपाधिकेन स्वस्वरूपेण अविक्रियमेव सद् उपाधिकृताः सर्वाः संसार विक्रियाः अनुभवति इति अविवेकीनां मूढानां अनेकम् इव च प्रतिदेहं प्रत्यमभासत इति एतद् आह. तद्धावतो द्रुतं गच्छति अन्य आत्मा विलक्षणं मनोवागींद्रिय प्रभत्रीन इति एतद् अतीत्य गच्छति इव इवार्थं स्वयमेव दर्शयति तिष्ठदिति स्वयं अविक्रियमेव सद्यत्यर्थः. तस्मिन् आत्मतत्त्वे सति नित्यचैतन्यस्वभावे मातरिश्वः मातरिः अन्तरिक्षे श्वयति गच्छति इति मातरिश्वा. वायुः सर्वप्राणभृत्क्रियात्मको यद् आश्रयाणि कार्यकरणजातानि तस् यस्मिन्नो तानि ओतानि प्रोतानि च यत् सूत्रसंज्ञकं सर्वस्य जगतः विधारयित्री च मातरिश्वा. अपः कर्माणि
प्राणीनाम चेष्टा लक्षणानि अग्नि आदित्य अग्नि आदित्य पर्जन्य दीनाम ज्वलन दहन प्रकाश अभिवर्षादि लक्षणानि दधाति विभजति इत्यर्थः धारयति वा भीष्मासाद्वातपवते इत्यादि श्रुतिभ्यः सर्वा हि कार्य कारण आदि विक्रिया नित्य चैतन्य आत्मस्वरूपे सर्वास्पद भूते सत्येव भवन्ति इत्यर्थः श्रुति आत्मा के स्वरूप का व्याख्यान करती है। स्वरूप के व्याख्यान में आत्मा संबंधी निरुपाधिक और सोपाधिक शब्दों से वो आत्मा का व्याख्यान करती है। पिछले प्रवचन में मैं कह रहा था कि आत्मा की दो रूप हैं, सोपाधिक भी है निरुपाधिक भी है। उसी को अंतर्यामी कहा गया और उसी को आत्मचैतन्य कहा गया। अंतःकरण की उपाधि से वो अंतर्यामी है। यदि किसी व्यक्ति को अंतःकरण सत्य लगता है तो उसको अंतर्यामी सच लगना ही चाहिए, उसको मानना ही चाहिए। ऐसा नहीं हो सकता कि वह अंतर्यामी का विरोध प्रकट करे, अंतर्यामी को ना माने और अंतःकरण को सत्य माने। इसलिए जब आत्मा का वर्णन किया जाता है तो वह निरुपाधिक वर्णन किया जा रहा है। इसलिए शुरुआत के जो जो लक्षण थे अनिजदेकम, अनिजद और एकम शब्द जो है वह श्रुति का स्वरूप लक्षण है। इस मंत्र में श्रुति ने यह जो दो लक्षण दिए वह स्वरूप लक्षण है, और ऐसा कह लें कि वह निरुपाधिक लक्षण है। बोले क्या है इसका अर्थ? अनिजत शब्द से श्रुति आत्मा को निर्विकार बता रही है। इस पर चर्चा हो चुकी हमारी आपकी। एकम शब्द से श्रुति अभिन्न निमित्त उपादान विवर्त कारण की संभावना बता रही है कि वह जो तत्व है वह कारण है। वह किस शब्द से बता दिया गया? बोले एकम शब्द से बता दिया गया। अब जो अन्य शब्द हैं वह सोपाधिक की दृष्टि से बात की गई। अब क्या था? अनिजदेकम, अनिजदेकम मनसोजवीय, वह आत्मतत्व मन से भी क्या है? तेज है। ये पिछले प्रकरण में हुआ। वह मन से तेज है, मतलब क्या हुआ है ना? वह मन से भी तेज है, इसका अर्थ क्या हुआ? कभी मन चलता नहीं है। ऐसा कहना कि मन कहीं जाता है ऐसा संभव नहीं है। मन तो कहीं नहीं जाता। मन में वृत्तियों का स्फुरण ही मन का क्या करना है? जाना है। हो गया? मन में वृत्तियों का स्फुरण ही क्या है? मन का जाना है। तो बोलते हैं वृत्ति को प्रकाशित करने वाली चीज ही चैतन्य है, तो मन आखिर जाएगा कहां? तो वह मन को भी प्रकाशित करता है। ऐसा कह लूं कि जो मन है वह साक्षी भाष्य है। दीर्घदृश्य विवेक पढ़ चुके इसलिए यह स्पष्ट हो जाना चाहिए, और थोड़ा बहुत भी ध्यान किया है तो यह तो स्पष्ट साधक को दिख जाता है। जो मन है, बोले मन क्या है? बोले अंतःकरणस्य। अंतःकरण क्या है? बोले संकल्प और विकल्प की वृत्तियां ही मन है। तो यह जो वृत्ति है, जो यह मन है, यह साक्षी भाष्य है। तो यह पंक्ति भी अब आपकी मेरे ख्याल से लग जानी चाहिए। कौन सी? अनिजदेकम मनसो जवीयः।
अब उस दिन आखिरी इन शब्दों पे कह रहा था, नैन देवा आपनुवन न एन देवता। भाष्यकार ने देवता शब्द को पारिभाषित करते हुए कहा द्योतनात देवाहा, याद आ गया आपको, द्योतनात देवताहा। ये जिनको हम समझते हैं इस दृष्टि से देवता नहीं, जिनमें प्रकाशन करने की सामर्थ्य है उनको देवता शब्द से कहा जाता है, जिनमें प्रकाशन करने की सामर्थ्य है। तो अब देखो आप, तो अब यह जो प्रसंग चल रहा है, कल आपसे यही कह रहा था मैं, आदि दैवी प्रसंग चलता है। तो आप जब पुराण सुनो तो देवता को मना मत कर दो कि देवता नहीं होते। वह जो प्रसंग चल रहा है उस समय वो किसका प्रसंग है, आदि दैवी। तो आदि दैविक प्रकरण के संदर्भ में इंद्र वरुण यम बृहस्पति आदि क्या हैं, देवता हैं। लेकिन यहां पे प्रसंग कैसा है, बोले आध्यात्मिक प्रसंग है, बन गया, आदि दैविक नहीं है। कैसा प्रसंग है, आध्यात्मिक प्रसंग है। आध्यात्म में देवता शब्द का अर्थ वह देवता नहीं किया जाता, बोले जो प्रकाशन करने में समर्थ है। बोले किसको, बोले विषयों को। कौन करता है प्रकाश, बोलते हैं इंद्रियां। आखिर शब्द को किसने जाना, बोलते हैं कान ने सुना, आंख ने देखा, नाक ने सूंघा, जीवा ने स्वाद लिया, इंद्रियों ने स्पर्श किया। तो आखिर प्रकाशक कौन हुए, बोले इंद्रियां। इसलिए अध्यात्म में देवता का अर्थ भाष्यकार ने क्या कर दिया, इंद्रियां। इसलिए देखिए भाष्य आया होगा, क्या अर्थ किया उन्होंने, द्योतनात देवाहा, मिल गया सबको, यहीं से पढ़ा था आपने, द्योतनात देवाहा, जिनमें द्योतन करने की सामर्थ्य है उनको क्या बोलते हैं, देवता। बोले वो कौन है, कौन है, बोले वो देवता। चक्षुः आदिः इन्द्रियाणि, देखो स्पष्ट लिख दिया, चक्षुः आदि द्योतनाः, चक्षुः आदि इन्द्रियाणि, जो चक्षु आदि इंद्रियां हैं उनको क्या कहते हैं, देवता। तो बोलते हैं नैन देवा आपनुवन, एकदम एकाग्रता से पढ़िएगा, न एन देवाहा, आई को दो थोड़ा, न एन देवाहा आपनुवन, यह जो देवता हैं, यह जो देवता हैं, यह इसको प्राप्त नहीं कर सकते हैं। न एन देवाहा आपनुवन, यह देवता लोग इसको प्राप्त नहीं कर सकते। बोले महाराज ये किसको नहीं प्राप्त करते, किसको नहीं, तो भाष्यकार लिखते हैं एतत् प्रकृतम आत्म तत्वम, जिसका यह प्रकरण चल रहा है। बोले किसका प्रकरण चल रहा है, बोले आत्मा का। इस प्रकरण चल रहे आत्म चैतन्य को चक्षु आदि इंद्रियां प्रकाशित नहीं कर सकते। देखो जी हो गया ना, इनद यह जो प्रकरण चल रहा है इसको चक्षु आदि प्राप्त नहीं कर सकते, इसको तो देवता भी प्राप्त नहीं कर सकते। देवता मतलब इंद्रियां, जब मन ही नहीं प्राप्त कर पाया तो इंद्रियां क्या प्राप्त करेंगी, बन गया, इसका अर्थ स्पष्ट हो गया। इंद्रियों से मन भी प्रकाशित नहीं होता, ठीक है, इंद्रियों से तो मन भी प्रकाशित नहीं होता, मन इंद्रिय भाष्य नहीं है,
मन इंद्रिय भाष्य नहीं है, मन तो साक्षी भाष्य है। समझते हैं भाषा? आखिर मन को जानने वाला कौन? बोले मन को इंद्रियां तो नहीं जान सकती, बोले मन को तो साक्षी जान सकता है, इसलिए मन तो साक्षी भाष्य। तो ये आत्मा को कैसे जानेगा, है ना? सबसे पहले तो मन होना चाहिए, उसके पहले साक्षी होना चाहिए, उसके बाद इंद्रियां होनी चाहिए। ये जो ध्यान करता है उसको ये स्पष्ट दिख जाएगा, ये मंत्र ये स्पष्ट दिखता है उसको। अच्छा भाई आगे बढ़ता हूं, तो कितने शब्द हो गए? अनिजद एकम मनसु जवीयह, मिल गया नैन देवा, और ये शब्द है आपनवन। आपनवन किसके साथ आ गया? देवा के साथ। नैन देवा आपनवन पूर्वम अर्षत, पूर्वम अर्षत, पूर्वम अर्षत का अर्थ हुआ यह वहां पर पहले ही पहुंचा हुआ है। देखो जी मिल गया, भाष्य को देखिएगा, यही 21 पेज का भाष्य है। आभास मात्रमपि आत्मानो न एवं दैवानां विषयी भवति, यस्मात् जवनात् मनसु अपि हि पूर्वम, मिल गया अर्षत, पूर्वम अपि मिल गया, पूर्वम इव वा गतम। बोलते हैं आत्मा मन से भी तेजवान है। पूर्वम अर्षत, अर्षत मतलब होता है, अर्षत मैंने बताया था जो जिसमें धातु है वह गति के अर्थ में है। तो आत्मा के मन के पहुंचने के पहले ही वह वहां पर उसको खड़ा हुआ मिलता है। देखो जी आत्मा वहां पर उसको सबसे पहले खड़ा हुआ मिलता है। उसने सोचा कि मैं आज सबसे पहले पहुंच जाऊं, लेकिन जैसे ही पहुंचा तो आत्मा उसको कहता है कि आइए स्वागत है। इसका मतलब वो आत्मा तत्व वहां भी पहले से ही है। बोले बोले ये कैसे हो गया ये बताइए, आत्मा कैसे पहुंच गया पहले? बोले उसका कारण है, तुम कितनी भी कोशिश कर लोगे ऐसा कभी नहीं हो सकता कि तुम पहले पहुंच जाओ। तो मतलब मन, संवाद हो रहा है ना मन से, इंद्रियों को भी शामिल कर लेना। हे मन, हे इंद्रिय, हे शरीर, तुम ये बात कान खोल के सुन लो, तुम अगर आत्मा से प्रतिस्पर्धा करोगे कि आज मैं सबसे तेज चलता हूं, तो ये जान लो तुम गारे पहुंचने के पहले ही तुमको आत्मा वहां क्या होगा खड़ा कर लो। तुम मानो कि आत्मा ने पूछा इसका कारण क्या है, मैं सदैव क्यों हार जाता हूं, जब भी मैं जाता हूं मन वहां पहले से रहता है, आप मुझे इसका कारण बता दीजिए। श्रुति कहती है डोमवत, व्योमवत, व्योमवत मतलब आकाश की तरह। बोले व्यापित्वात, वाह ध्यान रखना आकाश व्यापक नहीं है, सावधानी देखना आप भाष्यकार की, इसको बोलते हैं सावधानी से बोलना। आकाश को व्यापक नहीं कहा, आकाश की तरह से व्योमवत। भाई कविता में बोलते हैं कि यह व्याघ्रवत चलता है, व्याघ्रवत चलता है, गजवत चलता है, हिंदी में क्या बोलेंगे हाथी की तरह चलता है। तो आप ये नहीं बोलते हाथी चलता है, हाथी की तरह, शेर की, अरे आप बोलते हैं ये चंद्रमा के समान सुंदर है, चंद्रमा को नहीं बोला,
चंद्रमा के बराबर तो आप पहुंच ही नहीं सकते, लेकिन चंद्रमा के समान को ये है। तो आकाश की तरह यह आत्म तत्व, आकाश तो व्यापक नहीं है महाराज, लेकिन समझने के लिए समझ लो, आकाश व्यापक है, उससे भी ज्यादा जो व्यापक तत्व है वह आत्म तत्व है। सोचो आप, मैंने आपसे उस दिन कहा कि एक पायलट महाराज, उसने सोचा कि आज मैं आकाश से चलकर ऐसी उड़ान भरूंगा कि जहां आकाश ना मिले उसको भी पछाड़ दूंगा। तो क्या पायलट को कोई स्थिति ऐसी मिलेगी कि आकाश ना मिले? वो जहां जाएगा उसको आकाश पहले से ही। इसी तरह से व्यापित्वात्, तो देखो कैसे संगति लगाई, पूर्वम अर्षत, वह पहले से ही है। बोले पहले से ही है मतलब क्या हुआ? बोले आत्म चैतन्य व्यापक है, तुम चलोगे उसके पहले वो वहां मौजूद होगा। अब देखो बहुत ही सुंदर, जो चीज व्यापक होती है वहां गति नहीं होती। हाँ, जो चीज व्यापक होती है वहां गति नहीं होती। अच्छा, तो बोले गति कहां होती है? आप जाओगे कहां जहां आप नहीं है? कोई चीज कहां जाएगी भाई? ये वायु वहां की ओर जाएगी जहां वायु, और जहां वायु पहले से है वहां, वहां तो जा ही नहीं सकती। तो किसी चीज की जो गति होती है वो वही होती है जब वह चीज वहां पर, मान ले आकाश वहां जाए जहां आकाश न हो, तो आप क्या कहेंगे? तो देखो आप, तो जब व्यापक है तो गति नहीं हो सकती, ये बात समझ में आती है? ये सब ध्यान में देखने वाली बातें हैं। जो चीज व्यापक, ये बोलते हैं महाराज मूर्ख लोग की आत्मा यहां से वहां चली गई, इनकी आत्मा निकल गई। अच्छा निकल गई तो कहां गई? बोले वहां गई। इसका मतलब जहां गई वहां पहले से आत्मा, यही कहोगे? तो आत्मा व्यापक कहां से हुई? गति तो वही है, गति तो वही है जहां वो चीज पहले से। देखो इसलिए क्या बोलते हैं भाष्य देखिएगा, सर्वव्यापी क्योंकि व्यापक है। कौन व्यापक है? आत्मा। बोले किसकी तरह व्यापक है? किसकी तरह व्यापक है? आकाश की तरह। बोले आकाश तो समझ में आता है? बोले हाँ समझ में आता है। बोले आकाश में गति दिखती है? बोले नहीं दिखती है। तो बोले सोच लो, आत्मा में गति संभव है क्या? बोले आत्मा में तो गति हो ही नहीं सकती। इसलिए तदात्म तत्त्वम सर्व संसार धर्म वर्जितम। वाह, इसलिए आत्म तत्व में संसरण का अभाव है। मिल गया? इसलिए आत्म तत्व में संसरण का अभाव है। क्यों अभाव है? क्योंकि वो व्यापक है। देखो भाष्यकार को देखना, एकदम उंगली रखकर, सर्वव्यापी तदात्म तत्त्वम सर्व संसार धर्म। सर्व संसार धर्म मतलब संसरण, संसरण वर्जितम, वहां संसरण नहीं हो सकता। देखो जी, देखो एकदम नहीं हो सकता।
स्वेन निरुपाधिकेन स्वपीड़ा निर्विकार रहते हुए, निर्विकार देख रहे हैं, स्वेन निरुपाधिकेन स्वपीड़ अविक्रियम एव, हालांकि वह जो तत्व है वह कैसा है, अविक्रियावान है। वो कैसा है, बोले वो निर्विकार है, लेकिन उपाधि के कारण, किसके कारण, ध्यान रखना, स्वयं में नहीं है। स्फटिक यदि आपको लाल दिखाई देता है तो स्फटिक लाल नहीं है। आखिर स्फटिक लाल क्यों दिख रहा है, बोले लाल पुष्प की उपाधि के कारण। और अगर तुमको स्वरूप का दर्शन करना है तो एक काम कर लो, उपाधि को हटा दो, उपाधि को हटा दो। जैसे ही उपाधि को हटाएंगे तो आपको पता लगेगा ये लाल पुष्प तो यहां ही, ये लाल शिवलिंग तो है ही नहीं। इसी तरीके से स्वरूपेण अविक्रियम एव, वो है कैसा, अविक्रियावान, लेकिन 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 सत उपाधिकृता, वह उपाधि के कारण दिखता है महाराज। अब उसमें विक्रिया दिखती है, वाह देखो जी, है ना, मिल गया आगे। अब उसमें विक्रिया दिखती है अनुभव की, बोले कौन अनुभव करता है, आत्मा में। देखो तीन चीजें गिना रहा हूं, आत्मा में संसरण का अनुभव, आत्मा में परिणमन और विक्रिया का अनुभव, और आत्मा में अनेकता का अनुभव। तीन शब्द अच्छे से कर लीजिए, आत्मा में संसरण का अनुभव, मिल गया, आत्मा में विक्रिया का अनुभव, और आत्मा में अनेकता का अनुभव। बोले ये जिसको होता है उसका नाम मूढ़ है, मूर्ख है। और बोले उसी को अविवेकी कहते हैं। देखो अब हमारा आपका अनुभव कैसे, मेरे कहले पढ़ें तो स्पष्ट मिल जाएगा आपको, लिखा है क्या लिखा है, स्वरूपेण अविक्रियमेव सद उपाधि कृताः सर्व संसार विक्रियाः। देखो विकरण का अनुभव मिल गया, अनुभवति अनुभव करता है, कौन अनुभव करता है, अविवेकी नाम, विवेकी नहीं है, अविवेकी नाम, अच्छा यही नहीं, मूढ़ा नाम, लो इन्हीं का दूसरा नाम दे दिया। जो बोलते हैं हमारी आत्मा यहाँ जाएगी, हमारी आत्मा ही वहां जाएगी, हमारी आत्मा अमीर हो गई, मैं बूढ़ा हो गया, मैं जवान हो गया, मैं तो मर गया, मेरा तो ये हो गया, ये क्या है, आत्मा में विकार। ये जिसको अनुभव होता है बोलते हैं उसको मूढ़ कहते हैं, यही नहीं उसको अविवेकी कहते हैं। और बोले बता दें इनका अनुभव क्या है, ये क्या बोलते हैं, प्रतिदेहम, हर देह में आत्मा अलग अलग है। देखो जी कैसे भाष्कर, प्रतिदेहम, हर देह में जो आत्मा है वो कैसा है, बोले इनका आत्मा अलग है, इनका आत्मा अलग है, इनकी आत्मा मर गई, इनकी आत्मा तो तेजस्वी है। प्रतिदेहम प्रत्यवभासत इति एतद आह, ऐसा जिसका अनुभव है, बोले यह तीनों अनुभव आखिर क्यों हो रहा है साधक को, ये क्यों हो रहा है आत्मा को, ये जो मूढ़ है अविवेकी है इसको ये अनुभव क्यों हो रहा है, बोलते हैं ये उपाधि के कारण हो रहा है।
किसके कारण? उपाधि के। देखो मूढ़ा नाम अविवेकी नाम, ऐसे व्यक्ति को श्रुति मूढ़ कह रही है, और यही नहीं उसको अविवेकी कह रही है। किसी ने पूछ लिया, महाराज ये मूढ़ व्यक्ति को ऐसा अनुभव क्यों होता है? श्रुति कहती है इसको अनुभव इसलिए होता है क्योंकि ये उपाधि के कारण देखता है, इसको आदत पड़ गई है। शरीर जब भी आत्मा को कहेगा तो देह को देखेगा पहले, इसलिए कह रहा था देहाभिमानी व्यक्ति की 24 घंटे निगाह किस पे है? देह पे। ये देह को पेम्पर करता है। मैंने आपको इलाज बताया, साधु ने कहा ये देह मांगेगी कि प्यास लगी है, भूख लगी है, नहीं देंगे, नहीं देंगे। ये जितनी मांग करेगी, कोई जरूरी नहीं कि इसकी मांग को क्या किया जाए, तुमने इसकी मांग को पूरा करते करते ओहो आप तो जो कहती कहती रो तो रो, मुंह बना लो मुंह बना लेगी, हंस लो हंस लेगी। देखो तो अगर करो, इसी के लिए, इसी को समझाने के लिए भागवत में एक प्रसंग आया है, हाँ पुरंजनोपाख्यान। महाराज वो आदमी ऐसा, अब दीवाना अपनी पत्नी का, वो रोती तो ये रोता, ध्यान रखना वो पुरुष नहीं है, वो हम लोग हैं, वो पुरुष नहीं है, वो मन है। प्यास लगी तो प्यास, देखने का मन हुआ तो देख लिया, रोने का मन हुआ तो, मतलब जैसा नचाए वैसा नाचो, ऐसे भी लोग हैं, क्या करो। इनको भाष्यकार कहते भी, इनको क्या कहूं, इनको उपाधि से देखने की क्या हो गई है, आदत हो गई है, इनका कोई कुछ नहीं कर सकता। अच्छा भाई तो अब ये तो पूरा हो गया भाई, पहला अनिजद पूछूं तो थोड़ा कष्ट हो जाएगा आपको। अनिजद शब्द से क्या कहना चाहती श्रुति? निर्विकार। एकम शब्द से श्रुति क्या कहना चाहती है? अभिन्न निमित्त विवर्त कारण। मनसो जवीयो से कहना क्या कहना चाहती है? मन से भी, मन को भी ये प्रकाशित करती है। नैन देव आपनुवन, इंद्रियां भी इसको प्रकाशित नहीं कर सकती, क्योंकि अच्छा पूर्वम अर्षत, तो इसका मतलब क्या है? व्यापक है। देखो ये चीजें याद हो जानी चाहिए, आपनुवन पूर्वम अर्षत से क्या हो गया? ये व्यापक है। अच्छा अब कौन सी लाइन बची? तद्धावतो न्यानते तितिष्ठत। तद्धावतो बोले महाराज दौड़ना किसको कहते हैं? दौड़ना किसको कहते हैं? तो भाष्यकार ने उसका अर्थ क्या किया? देखो तद्धावतः, धावता का अर्थ क्या किया? द्रुतम गच्छति। ओहो देखो ऐसा देखना चाहिए, द्रुतम गच्छति बोले ये बहुत तेज चलता है महाराज, देखो बहुत तेज चलता है, गमन क्रिया इसकी कैसी है? द्रुत है। बोलते हैं अच्छा भाई, तो देखो धावतो कर दिया, धावतो का अर्थ करी अन्यान, बोले अन्यान, तो अन्यान का अर्थ क्या किया है? अन्यान का अर्थ क्या किया है? आत्म विलक्षणान। भाष्य मिल रहा है, मिल रहा है कि नहीं? पेज नंबर 23 का पंक्ति दिखवा रहे हैं, तीसरा तद्धावतो, तद्धावतो का अर्थ क्या कर दिया? द्रुतम गच्छति अन्यान, अन्यान का क्या कर दिया है? आत्म विलक्षणान। ध्यान रखना
आत्म विलक्षणान का अर्थ आत्मा से भिन्न नहीं है, आत्मा से विलक्षण है। विलक्षण का अर्थ वेदांत में भिन्न नहीं होता। बोले नहीं समझ में आया। आकाश और आकाश की नीलिमा, इसको क्या कहेंगे? आकाश की नीलिमा आकाश से विलक्षण है, भिन्न नहीं है। बनता है बहुत। ये विलक्षणान जो शब्द है इसको समझिएगा। भिन्न हो गया तो भिन्न में तो कितनी सत्ताएं हो गई? दो सत्ताएं हो गई। आत्म विलक्षण का अर्थ है जैसे कि आकाश और आकाश की नीलिमा, ऐसे ही जल और जल की तरंग, यह दो नहीं है। यह क्या कहेंगे? जो तरंग है वह जल से विलक्षण है। यह भी नहीं है कि अलग है, भिन्न है, लेकिन उससे विपरीत लक्षण वाली है। विपरीत लक्षण होने वाली पर भी वह भिन्न नहीं है। देखो जी, पकड़ में आता है? आकाश और आकाश की नीलिमा, जल और जल की तरंग। बोले यहां विलक्षण कौन है? बोलते हैं मन वाग इंद्रिय प्रवृत्तीन एतान। देखो जी, ये मन और चक्षु आदि जो इंद्रियां हैं, जो मन चक्षु आदि इंद्रियां हैं, इसी को क्या बोला है? अन्यान अत्येति। देखो श्रुति का शब्द है अत्येति। अत्येति का भाष्यकार ने अर्थ किया अतीत्य। अतीत्य, अतीत्य मतलब अतिक्रमण करके। अतिक्रमण को इंग्लिश में क्या बोलेंगे? एक्सेल। इससे एक्सेल करके, किससे एक्सेल करके? बोले आत्म चैतन्य से। इससे अतिक्रमण करके आत्म चैतन्य इनसे क्या है? अलग है। देखो जी, क्या मंत्र क्या आया था? मंत्र क्या था? तद्धातु मिल गया अन्यान अतीति तिष्ठत। देखो जी, तिष्ठत शब्द से क्या कहना चाह रही है श्रुति? देखो जी, ये देखो अतीति गच्छति इव, इवार्थम स्वयमेव, ये शब्द श्रुति लगा देती है। तिष्ठति इति स्वयं स्वयं अविक्रियम एव सद इत्यर्थः। यह तिष्ठत शब्द से कहना चाह रही है कि खड़े रहते हुए भी उनसे ये क्या हो गई? आगे निकल गई। तिष्ठत मतलब खड़े रहते, इनके रहते भी आत्म चैतन्य इनका क्या कर देता है? अतिक्रमण कर देता है। किसका? चक्षु आदि, मन आदि इंद्रियां, इसकी पहुंच वहां तक नहीं है। क्लियर हो गया? क्लियर हो गया? ये इनका अतिक्रमण कर जाती है। कौन? आत्मा। ये उसकी पहुंच से बाहर है। अब कौन सा शब्द बचा? तिष्ठ, अतिक्रमण कर जाती है, ऐसा समझ लीजिए। ठीक है, वहीं रहते ही इनके सामने ही इनसे क्या हो जाती है? अतिक्रमण, एक्सेल कर जाती है। अच्छा, हम लोग तिष्ठत का अर्थ समझते हैं बैठना। बैठना नहीं है, वहीं मौजूद रहते हुए इनसे आगे निकल गई। अच्छा, अब आखिरी शब्द बचा कौन सा? तस्मिन अपह मातरिश्वा दधाती। ये बहुत सुंदर लाइन है। इसके लिए एक बात याद रख लो, अभी तक श्रुति सोपाधिक और निरुपाधिक की बात कर रही थी, और उसमें भी व्यष्टि के संदर्भ से उपदेश दिया। अब श्रुति समष्टि जगत के संदर्भ से उपदेश देती है।
तस्मिन् अपह मातरिश्वा दधाती का उपदेश श्रुति समष्टि की उपाधि से देती है। अभी तक कैसे दे रही थी? अभी तक व्यष्टि दे रही थी। व्यष्टि दे रही थी कैसे? बोले आपकी आंख, आपकी इंद्री, आपका मन, यही सब बातें कह रही थी। अब श्रुति कहती है कॉस्मिक जगत के संदर्भ से अब श्रुति उपदेश देती है। कौन सा उपदेश है? मातरिश्वादधाति तस्मिन् अपह, नपो मत बढ़ना उसको, तस्मिन् अपह, मिल गया, तस्मिन् अपह मातरी ईश्वादधाति। अच्छा भाई, सरल अर्थ पहले कर देते हैं, पहले सरल अर्थ कर देते हैं। मातरिश्वा का अर्थ हुआ ब्रह्मा जी, ब्रह्मा बूढ़े वाले हैं ना जो सृष्टि बनाते हैं, वो ब्रह्मा जी। बोले तो मातरी मातरिश्वा का अर्थ ब्रह्मा कर दिया, तो अपह का अर्थ क्या हुआ? अपह का अर्थ हुआ कर्म। अपह का अर्थ क्या हो गया? कर्म। बोलते हैं तस्मिन, देखो जी, तस्मिन उसी आत्मा की उपस्थिति में, आत्मा की सन्निधि में, आत्मा के सामने। ये किसका अर्थ हुआ? तस्मिन, तस्मिन मिल रहा है? तस्मिन का अर्थ देख लो, चाहे भाष्यकार ने क्या किया है, तस्मिन आत्म तत्वे, देखो जी मिल गया। ये जो ब्रह्मा जी क्या करते हैं, ब्रह्मा जी सबको काम बांटते हैं, सबकी ड्यूटी ब्रह्मा जी बांटते हैं। देखो अब तो सरल अर्थ है, ये जो आपको सब दिख रहे हैं, ये लोग सूर्य चंद्रमा ये सब अपना अपना काम कर रहे हैं। बोले इनको काम किसने अलर्ट किया? बोले ब्रह्मा जी ने किया है। देखो लेकिन ब्रह्मा जी ने इनको जो काम अलर्ट किया है वो किसकी उपस्थिति में? आत्मा की उपस्थिति में। तो अब तो ये, अब तो सरल अर्थ हो गया, ये एक तो ये सरल अर्थ आ गया तस्मिन, तस्मिन मतलब आत्मा की उपस्थिति में, तस्मिन मतलब उसमें, तस्मिन मतलब संस्कृत में उसमें, ब्रह्म की आत्म चैतन्य की उपस्थिति में। इसीलिए भाष्यकार को भी देख लीजिए, तस्मिन आत्म तत्वे सती, आत्म तत्व के रहने पर हो गया। और आत्म तत्व कैसा है? बोलते नित्य चैतन्य स्वभावे, देखो जी मिल गया। आत्म तत्व कैसा है? नित्य चैतन्य स्वभावे, चैतन्य उसका स्वभाव है। वाह, बोले नहीं समझ में आया महाराज। देखो स्वामी जी ने उसको ऐसा समझाया, दो प्रकार के ज्ञान है, दो प्रकार के ज्ञान है। एक ज्ञान को कहते हैं धारा ज्ञान। क्या बोलते हैं? धारा ज्ञान। उसी को कई बार शब्द क्या बोल देते हैं, उसी को शब्द क्या बोलते हैं, कोई बता सकता है? प्रवाही ज्ञान। प्रवाही ज्ञान का मतलब क्या हुआ? वृत्ति हर क्षण पैदा हो रही है और हर क्षण वृत्ति का क्या हो रहा है? नाश हो रहा है। अभी देख लो आपके सामने ही हो रहा है। लेकिन ये एक ऐसी वृत्ति कि हर वृत्ति में आत्म चैतन्य क्या है? उसकी उपस्थिति, अविपरिलुप्त चैतन्य उसको बोलते हैं। क्या शब्द बोलते हैं? अविपरिलुप्त चैतन्य, विपरिलुप्त नहीं, अविपरिलुप्त चैतन्य। अविपरिलुप्त चैतन्य मतलब यही जो आपने पढ़ा है, नित्य चैतन्य स्वभावे। जो चैतन्य है वो उसका क्या है? स्वभाव है। स्वभाव मतलब समझना,
जिसका त्याग नहीं किया जा सकता, ऐसा। अच्छा बोले, ऐसे आत्म तत्व की उपस्थिति में, ठीक है, ऐसे आत्म तत्व की उपस्थिति में ब्रह्मा जी सभी को अपनी अपनी ड्यूटी बांटते हैं। अब साधक ने प्रश्न किया, महाराज ये बताओ, ये मातरिश्वा का अर्थ एकदम से ब्रह्मा कहां से पटक दिया आपने? महाराज अभी तक बात कुछ की कुछ हो रही थी और एकदम से आप ब्रह्मा जी पे आ गए। बोलते भाई देखो, मैंने तुमको एक पहले ही बात कही कि अब जो उपदेश है वो कैसा उपदेश है, समझ ठीक से। और बोले मैं समझाता हूं, देखो कैसे ब्रह्मा जी अर्थ है इसका, देखो सावधानी से देखना। मातरिश्वा, मिल गया भाष्य में, मेरी तरफ मत देखो, किताब की ओर देखो। मातरिश्वा, मातरिश्वा का अर्थ क्या दिया गया है? तो बोले मातरिक मतलब क्या होता है, मातरी का अर्थ क्या है? डंडा लेके कहा लिखा है ब्रह्मा, कहा लिखा है ब्रह्मा, ब्रह्मा कहा लिखा है भाष्यकार ने? मातरी का अर्थ क्या लिखा है भाष्यकार ने? अंतरिक्ष है, पढ़ो ना उसमें स्पष्ट ही है। तो जितना पूछा जाए उतना ही देखो आप। मातरी के आगे शब्द क्या लिखा है? अंतरिक्षे। और श्वा शब्द आया कि नहीं आया? श्वा, श्वा का अर्थ क्या कर दिया? श्वयति। बोले श्वयति मतलब क्या होता है? गच्छति। देखो कितना तो स्पष्ट है। मातरी का अर्थ क्या हो गया? अंतरिक्षे। श्वा का अर्थ क्या हो गया? गच्छति। जो अंतरिक्ष में चलता है उसका नाम मातरिश्वा है। क्लियर हो रहा है? जो मातरी मतलब अंतरिक्ष, श्वेति मतलब गच्छति, जो अंतरिक्ष। बोले महाराज कौन चलता है अंतरिक्ष में? बोलते अच्छा ये भी बात समझाता हूं, अंतरिक्ष में कौन चलता है? बोलते हैं वायु। देखो बोले वायु, अंतरिक्ष में कौन चलती है? बोले वायु। ध्यान रखना यहां वायु मतलब गैस नहीं, ये जो साइंस लेती है वो नहीं, गैस नहीं। बोले महाराज हमको तो वायु का भी अर्थ बता दो आप, क्या है? बोले वायु, चलो, सर्व प्राण भृत। देखो जी सर्व प्राण भृत, जो सभी प्राणियों का पोषण करती है वो कौन है? बोले वो प्राण है। देखो जी इसका सीक्वेंस याद रखिएगा, पहला अर्थ क्या किया? मातरिश्वा। मातरिश्वा का अर्थ क्या हुआ? जो अंतरिक्ष में चलता है। अंतरिक्ष में कौन चलता है? बोले वायु। बोले वायु क्या है? बोले वायु ही सबका क्या करता है? पोषण करता है। इसलिए उसको क्या बोल दिया? क्या बोल दिया? सर्व प्राण भृत। देखो जी सभी का पोषण, तो वायु का अर्थ क्या होता है? प्राण। प्राण सभी प्राणियों का पोषण करता है, मतलब ये जो वायु से बड़ी तत्व कौन हो गया? प्राण। देखो जी अभी तो आपको साक्षात अनुभव है, अभी नाक दबा दी जाए तो वायु नहीं चली गई, प्राण चले गए। इसीलिए वायुरोधनात लियते मनः। देखो कितना अंतर मिला रहे, वायुरोधनात। जब ये बात अभी योगा वालों को बोल दो तो उनको फिर कष्ट होता है, मैं तो वहां बोल रहा था। जैसे कि पक्षी को थोड़ी देर के लिए ढक दिया जाए तो पक्षी कैसा दिखता है? शांत निश्चेष्ट। लेकिन जैसे ही जाल हटा
वैसे ही वो फिर फड़फड़ाया, बोले ये प्राणायाम ऐसे ही है, प्राणायाम करने से। अब आपको और क्या कहें, किसी की क्या वो करना। एक अभी व्यक्ति आए थे, वो हमको नीचे सिखा रहे थे सब प्राणायाम और प्राणायाम। अब उसके पूर्व उसके पश्चात महाराज उनकी पत्नी से जो भना भन लड़ाई हुई थी, हमने कहा ये क्यों आ गए यहाँ कमरे में, वहीं पे जुमा झटकी से बच गए, बस इतना हो गया। वो उसने उसके ऊपर आरोप लगाया, उसने उसके ऊपर, उसने जिंदगी नाश कर दी, इसने बच्चों को नहीं ठीक से किया, ऐसे ऐसे बहुत आदमी थे आपके सामने। अच्छा, वो सिखा रहे थे कि प्राणों से मन शांत होता है और स्पंदन होता है, बड़ा अच्छा। अब मेरे मन में आया, पहले अपनी पत्नी को तो शांत कराओ और तुम ही शांत हो जाओ। और समस्या 40 साल 45 साल की हो गई, अभी तक प्राणायाम करते स्पंदन करते शांत तो हुई नहीं तुम्हारी। कर्तृत्व अभिमान, अभिमान का नाश प्राणायाम करेगा। किसी को देखकर काम विकार आता है, मैं युवाओं को तो ऐसे ही बोलता हूं, मान लो आपको किसी को देखकर काम विकार आता है तो उसका उपाय क्या, आंख बंद कर लेना। आंख बंद करने से क्या होगा, थोड़ी देर हुआ उसके बाद फिर वही आएगा। जब अकेले में पड़ोगे ना तो फिर वही दिखाई देगा, उससे क्या हुआ। एक किसी समस्या से भाग कर कहीं चले गए आप, अच्छा अब मेरी कोई समस्या है और मैं भाग के आपके यहां चला गया और खूब खाया पिया, अच्छा उसके बाद क्या होगा, जाओगे कहां बच्चू, आज नहीं तो कल और कल नहीं तो परसों, फिर से लौट के तो तुमको वही समस्या, फिर से फिर भागो। तो एक बैग तैयार कर रख लो और खोजा करो, लिस्ट बनाओ, इस लोकेलिटी में कौन है हमारा, उस लोकेलिटी में कौन है, उस लोकेलिटी में घूम। अच्छा इससे होगा क्या, समस्या चढ़ के बैठेगी और उसको ही क्या पता लग गया, ये व्यक्ति हमसे डर के क्या कर रहा है, भाग रहा। अब चलो चलो भाई, ये समस्या का हल है क्या भागना भागना। कोई भी क्रिया किसी समस्या का हल नहीं है, ये दूसरा अध्याय। मेरे घर अन्न राशन नहीं है, इसका हल ये तो नहीं कि मैं आपके यहां खाऊं, इसका उपाय ये है क्या। इसका उपाय तो ये है कि पुरुषार्थ करो और आगे के लिए अपने घर में थोड़ा सा आधा किलो ही लाओ। आखिर ध्यान रखना, दूसरा व्यक्ति भी ज्यादा दिन तक ढोएगा, यहां तक कि माँ बाप नहीं ढोते बच्चे को तो रिश्तेदार और मित्र सखा क्या करेंगे। देखो ये है, यह वायु रोधनात्, इन सब से किसी समस्या का अंत नहीं होगा। ये साधक वायु रोधनात् प्राण लीयते मना, देखो भाष्यकार की संगति देखो आप, तो चाहे इस पे देखो भाई, बोले मातरिश्वयति, मातरिश्वयति की अंतरिक्ष में जो चलता है, अंतरिक्ष में कौन चलता है, बोले वायु चलती है, बोले वायु क्या है, बोले वायु प्राण है, बोले प्राण क्या है, बोले सभी प्राणियों का जीवन है, बोले यही नहीं। देखो जी आगे देखो क्या बोलते हैं, प्राण ही क्रिया शक्ति है, प्राण से ही व्यक्ति के अंदर क्रिया का आविष्ट होता है। देखो कितना सुंदर लिंग, प्राण शक्ति नहीं है तो व्यक्ति क्या कहता है, मैं काम ही नहीं कर सकता, मैं काम ही नहीं कर सकता, हमको कमजोरी आ गई है। अच्छा कभी कभी ऐसा लगता है भाई, ये कमजोरी किस मर्ज का नाम है, शरीर तो वही दिखता है और कभी कभी वजन भी उतना दिखता है, कभी हुआ है आपको, हम लोग वजन भी उतना दिखता है फिर भी आदमी क्या बोलता है कि हमको क्या आ गई,
तो बोले ये किसकी कमी है? शरीर की नहीं, देखो ये प्राण की कमी है, अंदर है वो। किसके अंदर है? शरीर के अंदर। इसलिए प्राण को कैसी शक्ति कहा गया? क्रिया शक्ति। देखो जी, और क्रिया का आश्रय लेकर कार्य और करण ओतप्रोत हैं। बस बस यही लैंडिंग करनी है आपको। क्या है फिर से देख लो, मातरी श्वेति, जो अंतरिक्ष में चलता है। अंतरिक्ष में कौन चलता है? बोले वायु चलती है। बोले वायु क्या है? बोले प्राण है। बोले प्राण क्या है? बोले प्राण ही सबका जीवन है, या प्राण ही क्रियात्मक शक्ति है। ठीक है, इसी क्रिया से यद आश्रयाणी, इसी का आश्रय लेकर कार्य कारण नहीं पढ़ना, सावधानी। क्या नाम है ये माता जी? नीचे पढ़ो ना, हम लोगों की तरफ क्यों देख रहे हो भाई? कार्य करण जाता नहीं, कारण मत बोल देना। इसी का आश्रय लेकर, किसका आश्रय लेकर? प्राणों का आश्रय लेकर। ये कार्य और करण ओतप्रोत हैं। कौन कार्य और कौन करण? अरे बोले कार्य का मतलब स्थूल शरीर और करण का मतलब इंद्रियां। इस पूरे स्थूल शरीर में, पूरे इंद्रियों में यस्मिन ओतानी प्रोतानी, बोले ओतप्रोत है। वाह, बोले हो गया। उसी शक्ति का आश्रय लेकर, किस शक्ति का? वही प्राण शक्ति का आश्रय। ये ओतानी प्रोतानी च, ओतप्रोत है, हो गया। लेकिन उसमें यत जो सूत्र है, सूत्र संज्ञकम, उसमें जो सूत्र संज्ञक है, जो सूत्र का काम कर रहा है, कहां से? देखो गीता से लो। क्या श्लोक आया? सूत्रे मणि गणा इव। मैं उन सभी में सूत्र की तरीके से गया हूं, जैसे कि मणियों की माला में धागा। इसी तरीके से मैं सूत्र की तरीके से सर्वस्य जगतम विचा विधारयित्री, ऐसे कर्त्री मतलब कर्ता, विधारयित्री मतलब विधारयिता, उसका नाम है मातरिश्वा। देखो जी, और सरल भाषा में कह दें, उस चेतन की दृष्टि से उसी का नाम हिरण्य गर्भ है। देखो जी, हो गया। देखो संगति लगा लेना, जड़ की दृष्टि से उसको प्राण कहते हैं। किसकी दृष्टि से? जड़ की दृष्टि से। चेतन की दृष्टि से उसको क्या बोलते हैं? हिरण्य गर्भ। ये कौन है हिरण्य गर्भ? जो सब में गया हुआ है, सूत्रात्मा। देखो जी, और बोल दूं, इसी का नाम ब्रह्मा है। बोल रहा हूं, ये सब नोट कर लेना, दिमाग हो जाए। इसी का नाम सूत्रात्मा है, इसी का नाम ब्रह्मा है, इसी का नाम सूत्रात्मा है, इसी का नाम प्राण है, इसी का नाम हिरण्यगर्भ है, इसी का नाम ब्रह्मा है, इसी का नाम प्रपितामह है, इसी का नाम प्रथमज है। ये सब शब्द आते हैं श्रुतियों में, हो गया। इसी का नाम ब्रह्मा है, इसी का नाम सूत्रात्मा है, इसी का नाम प्राण है, इसी का नाम हिरण्यगर्भ है, इसी को प्रथमज कहते हैं, इसी को प्रपितामह कहते हैं, और इसी को ब्रह्मा कह रहा हूं। किसकी दृष्टि से? चेतन की। देखो आप दृष्टि, देखो जरा,
अगर जड़ की दृष्टि से देखें तो आपके शरीर को पिंड कहते हैं, पिंड लेके बैठे पड़े हो, और चेतन की दृष्टि से आपको क्या कहते हैं, आत्मा। इसी तरीके से जड़ की दृष्टि से उसको क्या बोलेंगे, प्राण, प्राण, और चैतन्य की दृष्टि से उसको क्या बोलेंगे, हिरण्यगर्भ। आप ध्यान रख लेना ये सब शब्द आते हैं, हिरण्यगर्भ सूत्रात्मा प्रथमज पितामह प्रपितामह प्रथमज, और उसी को कहते हैं ब्रह्मा। वो कौन है, बोले वह सभी में गया हुआ है। ध्यान रखना यह मुख्य ईश्वर नहीं है, ये कौन है, ये ब्रह्मा जी हैं। किसकी, उनकी उपस्थिति में ये गया है सभी प्राणियों के अंदर, मिल रहा है। यस्मिन् ओतानि प्रोतानि च यत्र सूत्र संज्ञकम् सर्वस्य जगतः विचारयित्री विचार विधारयित्री, मिल गया, सह मातरिश्वा, उसको क्या बोलते हैं, मां। और जो लोग बड़ा डिक्शनरी से पढ़ेंगे तो वो क्या बोलेंगे, मातरिश्वा तस्मिन् अपह अपह मातरिश्वा दधाती। तो जब डिक्शनरी में पढ़ेंगे आप तो अपह का अर्थ होता है, क्या होता है, पानी, पानी, और वायु रिश्वा का अर्थ होता है वायु, तो बोलेंगे वायु पानी बांटता है, जिसके सिवाय कोई अर्थ नहीं मिलेगा आपको डिक्शनरी में, वायु पानी बांटता है, क्या करोगे उसका अर्थ, ये है। देखो आप, हमारे स्वामी जी से शास्त्र शास्त्री से ही पढ़ना चाहिए भाई, इलाज जो है वो डॉक्टर से ही करना चाहिए, तो शास्त्र शास्त्री से ही ना पढ़े तो आप कैसे अर्थ निकालोगे डिक्शनरी से, कि प्राण जो है वो पानी बांटता है वायु, तो ये है प्राण का अर्थ क्या कर दिया, सूत्र आत्मा। अच्छा, अब शब्द क्या मिल गया, अपह, अपह का अर्थ क्या किया, कर्माणि प्राणिनाम चेष्टा लक्षणानि। देखो जी, प्राणियों की चेष्टा, देखो जी ध्यान रखना, ये अर्थ किसकी दृष्टि से कर रहे हैं, समष्टि, तो आप तो उसमें आते नहीं हो कहीं, तो किसकी चेष्टा पति, कौन कौन से प्राणी हो गए, कौन कौन से प्राणी, अग्नि, अग्नि भाष्य को देखो ना अपने आप दिख जाएगा, अग्नि आदित्य परजन्य आदिनी, इन लोगों की चेष्टा, चेष्टा मतलब कर्म। बोले अच्छा भाई, अग्नि का कर्म क्या है, अग्नि का कर्म क्या है, ज्वलन दहन, ज्वलन दहन, मिल गया। आदित्य का कर्म क्या है, प्रकाश, और पर्जन्य का कर्म क्या है, अभिवर्षणानी लक्षणानी, मतलब वर्षा करना। देखो जी, ये इनको, इनको काम किसने दिया, किसको, इनको काम किसने दिया, सूर्य को चमकने को किसने कहा, वर्षा को, आदित्य को किसने कहा प्रकाश दो, अग्नि को किसने कहा कि ज्वलन करो, बोले इनको उस ब्रह्मा जी ने कहा, ब्रह्मा मतलब समझना, हिरण्यगर्भ सूत्रात्मा प्रथमज प्रपितामह, उसने इनको काम बांटा, किसकी उपस्थिति में, भाष्यकार कहते हैं काम बांटा ही नहीं, ओहो हो हो, इनसे काम करवाता भी है, दो चीजें हैं, वाह, काम देना अलग है और काम करवाना अलग है। बोले महाराज ये काम भी करवाता है, बोले कैसा करवाता है, श्रुति देखिए क्या बोलते हैं, भीष्मा स्वाद्वात पवते, अरे भगवान, अरे वायु बह रही है और डर के कारण बह रही है, बोले मेरे पीछे कोई पड़ा है,
दौड़ रही है, मृत्यु धावती पंचमी, मृत्यु दौड़ रही है, डेली सुबह होकर दौड़ती है, क्यों? उसके पीछे कोई डंडा लेकर दौड़ रहा है, चलो काम करो। सूर्य चालू हो गया और सूर्य को डर लगता है कि उसके पीछे कोई है, ये कौन कह रहा है? श्रुति कह रही, देखो भीष्मा स्वा, ये तैत्तरीय आप पढ़ेंगे तो आएगा, भीष्मा स्वा द्वातप पवते भीषो देति सूर्य मृत्यु धावती पंचम इति, ऐसा एक सूत्र आता है। मृत्यु भी महाराज दौड़ रही है डर के कारण, आग भी सूर्य भी वर्षा ये सब डर के कारण कर रहे हैं। किसके डर के कारण? बोले वही है, उसने इनको काम भी बांटा है और वही इनसे क्या करता है काम। इसलिए देखो जी, कर्तव्यों का पालन भी वही करवा रहा है और उसी के डर के कारण ये चल रही है। और अब भाष्यकार तस्मिन नपह मातरिश्वा दधाति का वाक्यार्थ देते हैं, सर्वाही कार्य कारण आदि विक्रिया नित्य चैतन्य स्वरूपे सर्वास्पद भूते सत्येव भवन्ति इत्यर्थः। समय हो गया इसलिए अभी अगली बार ही देखेंगे, बाद में देखना।